हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और मैं आज बनाने जा रही हूँ मछली। और आज का शुरुआत मैं मछली से करने जा रही हूँ। आज हम लोग खाने में मछली बनाने वाले हैं। इस मछली को कमल काट कहते हैं, तो चलिए मैं इसको आज बनाती हूँ। मछली बनाने से पहले इसकी हम सफाई करेंगे और ये सफाई मम्मी करेगी। तो चलिए देखते हैं मम्मी इसकी सफाई कैसे करती है। मछली की सफाई हो गई है, अब इसको मम्मी पानी से धो रही है। तो 3-4 पानी से धोएगी मम्मी। मछली अब धुल के तैयार है बनने के लिए। इसमें मैं हल्दी की कोटिंग करूंगी, फिर इसको मैं फ्राई होने के लिए ऑयल में डालूंगी। मछली का फैट है जिसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है मछली की ग्रेवी में। हल्दी की कोटिंग मछली में काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं ऑयल गरम करूंगी। कढ़ाई गरम हो चुकी है, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में मछली काफ़ी अच्छी बनती है, इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसे गरम होने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा मैं इसमें मछली डालकर फ्राई करूँगी। मैंने ऑयल में 2 मछली डाली है। मैं 2 मछली इसमें डाली हूँ क्योंकि अच्छे से मछली क्रिस्पी और रेड होकर फ्राई हो जाए। मछली को दोनों तरफ से पलट के फ्राई करेंगे। इधर मैं मसाला के लिए रेडी की हूँ 4-5 लाल मिर्च जो कि तीखी नहीं है, 1/2 कटा प्याज, 2 लहसुन, 2 अदरक और साथ ही मैं मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मस्टर्ड सीड में मछली बहुत ही अच्छी बनती है, इसकी ग्रेवी काफ़ी टेस्टी होती है, इसलिए मैं मस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा यूज़ कर रही हूँ। इन सब का मैं पेस्ट बनाऊँगी। मैं बाकी सारी मछलियाँ भी ऐसे ही फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मछली कितना रेड और क्रिस्प फ्राई हुआ है। मुझे कुछ धनिया की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी जिसे मैं अपने किचन गार्डन से लेने जा रही हूँ। ये पालक है जिसे मैंने लगाया था, साथ ही मैंने धनिया का बीज डाला था। जो कुछ हरी धनिया पत्ती आपको दिख रही है वो ताज़ी ताज़ी मैं तोड़ रही हूँ ताकि मैं इसको मछली की ग्रेवी में डालूँगी। ये हरी धनिया पत्ती है जो कि मैं अभी लाई हूँ किचन गार्डन से, और ये मेथी पौधा है जो कि मैंने लगाया अपने गार्डन में। ये सभी मछलियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मैं कढ़ाई में पचफोरन डालूंगी। पचफोरन में मैं मेथी, सरसों, अजवाइन, मंगरेल और सौंफ डाली हूँ। मैंने जो मसाला तैयार किया है वो पीस लिया है और साथ ही पचफोरन भी रेड हो चुका है। मैं मसाला डाल के भून रही हूँ। मसाला को मैं चलाते रहूँगी ताकि ये जले नहीं। अब मैं इसमें 2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, साथ ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। लगातार इसको भूनते रहूँगी ताकि ये मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी जो कि तीखी नहीं होती है, मैं इसे कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसको फिर से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, मैंने 2 चम्मच नमक डाला है इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। और इसको मैं अच्छे तरीके से फिर से चलाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले में। अब मैं 2 टमाटर ऐड करूंगी इसमें।
थोड़ा सा मसाला जल रहा है तो मैं इसमें ज़रा पानी डालूँगी। पानी डाल के अच्छे तरीके से चलाऊँगी और थोड़ी देर भूनूँगी इसे, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ और इसको अच्छे से भूनूंगी। जब तक टमाटर गलेगा नहीं तब तक मैं इसे पकाऊंगी। टमाटर गल जाने के बाद मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालूंगी और इसे भूनूंगी मसालों के साथ। ये देखिए मसाला तेल छोड़ रहा है किनारे में। अब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। मसाला अच्छे से भून गया है। मैं इसमें 1.5 ग्लास वाटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1.5 ग्लास वाटर डाला है और ग्रेवी में उबाल आने तक मैं इसे पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें मछली ऐड करूंगी। मछली के ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। मैं थोड़ी देर और इसे उबाल आने तक पका रही हूँ। अब मैं इसमें मछली ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से उबाल आ गई है इसमें। मैं सारी मछलियाँ इसमें एक एक करके डाल रही हूँ और मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी और बिना ढके मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए सभी मछलियाँ ग्रेवी में जा चुकी है और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया भी ऊपर से डाल रही हूँ और इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। 5 मिनट पूरे हो गए हैं और ये हमारी मछली बनकर एकदम तैयार है और मैं अब इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। इसकी प्लेटिंग देखिए मैंने कर दी है और हरी धनिया पत्ती से मैंने इसे गार्निश किया है और ये मछली दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लीज़ आप भी इसे बनाइए और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मछली कैसी लगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें।